स्वागत है आप सभी का निशांत ज्ञान चैनल पे। आज हम आपके सामने यूपी टीईटी यूपीपी अदर एग्जाम में जितने भी यूपी के एग्जाम होते हैं जिसमें हिंदी आती है उसमें वर्णों का क्या उपयोग रहता है, वर्णों का उच्चारण स्थान का कितना बड़ा सहयोग रहता है, आपके सामने रखते हैं। ठीक है, वर्णों का उच्चारण स्थान मुख्य रूप से सभी वनडे एग्जाम में पूछा जाता है जिसमें हिंदी आती है, तो इसके लिए लोग याद करते हैं आ का, क का, ख का, इस तरीके से हमें नहीं याद करना। आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिसमें आपको एक सूत्र याद करने से आपको कई सारे उच्चारण स्थान याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अकुह विसर्जनीया नाम कंठ है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ है। इसका जो विस्तृत रूप होगा अकुह मतलब अ, क वर्ग और विसर्ग का उच्चारण, विसर्ग में क्या क्या आते हैं, विसर्ग में आ आता है, ठीक है, इन सब का जो उच्चारण होगा वो क्या क्या होगा, कंठ का होगा। आ मतलब आ, आ, आ आप जानते ही हैं, क वर्ग मतलब अब यही यही है, क वर्ग में कितने शब्द आते हैं, क वर्ग में आता है क आता है, ख आता है, ग आता है, घ आता है और ङ भी आता है, क वर्ग में इतने आते हैं। कहीं कहीं अंगा को नासिक्य भी कहते हैं, लेकिन अगर आपको पूछा जाए अगर नासिक्य न दिया रहे केवल अंगा दिया रहे तो वो कंठ से आता है। ठीक, अ वर्ग मतलब अ और आ, क वर्ग मतलब क ख ग घ ङ, विसर्ग मतलब अंक और अ, ये सब क्या है, कंठ से बोले जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दूसरा उदाहरण देखिए इचु यशा नाम तालव्य, अब तालु से कितने शब्द आते हैं, तालु से कितने का उच्चारण होता है, हम आपको बताते हैं। देखिए ई, ई मतलब इचु यशा नाम, ई मतलब ई, ई छोटा रहे या बड़ा रहे, ठीक है, ई छोटी ई और बड़ी ई, च वर्ग, अब आपको देखना है च वर्ग किसे कहते हैं, च वर्ग में कौन कौन सा अक्षर आता है, च आता है, छ आता है, ज आता है, झ आता है और इंग्या भी आता है। ठीक है, हम बता रहे हैं आपको बार बार, ङ जैसे इसमें अंतिम शब्द इसमें ङ हुआ, ये सब नासिक के भी होते हैं, लेकिन हमारे सूत्र के माध्यम से और अगर आप एग्जाम दे रहे हैं चार ऑप्शन में नासिक के अलावा भी कंठ दिया रहे तो आप कंठ को ही सही मानेंगे। ठीक, च वर्ग में कौन कौन सा आता है, च आता है, छ आता है, ज आता है, झ आता है, ङ आता है, ये सब कहाँ के हैं, तालव्य से बोले जाते हैं। योन श, श मतलब बड़ा श, ये भी तालव्य है। आशा करते हैं आपको यूचु यशा नाम तालव्य का उदाहरण बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तीसरा है ऋतु लशा नाम दंत, ऋतु लता नाम दंत, इसमें होता है एक आप माहेश्वर का सूत्र पढ़े होंगे जिसमें आता है ऋ, आ ई उ री री, जो ऋ होता है ऋ वो होता है दंत से। त वर्ग, अब बात आती है त वर्ग में कौन कौन से शब्द आते हैं, त वर्ग में त आता है, थ आता है, द आता है, ध आता है और न आता है, ये शब्द किससे बोले जाते हैं, दंत से बोले जाते हैं। और ये जो छोटा सा है हम लोग गंवारू भाषा में कहते हैं छोटा सा, लेकिन इसे स दंती स भी बोलते हैं, ये जो स है ये भी दंत से बोला जाता है। ठीक है, ऋतु लशा नाम दंत है, रि ता वर्ग एवं छोटा सा का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा।